सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस पूरे वर्ष के लिए जो जनपद में गौशाला चल रही है, गौ सेवा के लिए जिलाधिकारी के द्वारा एक आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भूसा दान करवाया जाए, जिसको लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गौ सेवा के लिए डोनेशन व भूसा ज्यादा से ज्यादा दान करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, आप उसमें से 2-3 गुना काम करते हैं। आप में से कितने लोग गोरखपुर के ही हैं? आपका आप लोग हैं पास के, कितने लोग इस बर्डर के बाहर हैं? आप लोग बहुत कम लोग हैं बर्डर के, और ऐसे लोग आपका तो बिल्कुल 5 साल से ऊपर हो गए गोरखपुर में। अच्छा, मैंने क्या मुझे बता देता हूँ, अगर किसी को कितना टाइम गोरखपुर में हो गया है, वो गोरखपुर बर्डर से ही है या गोरखपुर से ही है, उसकी इतनी बन जाती है जहाँ काम करता है कि अगर वो किसी को कुछ कह दे तो उसके लिए वो कर दे। जैसे ही उनको सम्मान पत्र मिला तो उन्होंने डबल दे दिया, और उसके बाद मैंने जितने आपके डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको एक सेंचुरी पर बुलाया, जिसे आज आप लोग को मिला है। हम लोग दान का करेंगे और इतना हम लोग फंड का करेंगे दान का, उन सब लोगों ने डबल डबल ले दिया है। एक हफ्ते में जो हमारा भूसा कलेक्शन हुआ था 850 क्विंटल हुआ था, और जो दान हमें दिया गया था गौ सेवा के लिए 6.5 लाख रुपये। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस भूसा जो हम दान में ले रहे हैं और हम गौशालाओं को एक जो है जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं, और एक बहुत मॉडर्न गौशाला बनाने का गोरखपुर में हमारा प्लान है, उसमें आप सब लोग का सहयोग है। इसके साथ साथ मनरेगा में हम लोग चारागाह पे वर्क कर रहे हैं ताकि चारा भी मिल सके। तो मैं अगले शनिवार जब मिलूंगा हर एक इंडिविजुअल से मैं पूछूंगा, बाय नेम पूछता हूँ कि आपने एक हफ्ते में कितना इन दो चीज़ों पे काम किया। मुझे उम्मीद है कि जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम लोग डीएम साहब से सम्मानित करेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कर्मचारी जो हाईएस्ट होगा और जो हाईएस्ट देगा उनका भी जो देंगे सबको सब प्रशस्ति पत्र तो हमने दे दी है, तो आप इनसे वो शेयर कर दीजिए जिसमें अकाउंट में जाना है काम, वो अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए। और जो ड्राई भूसा लाएंगे, मतलब कोई जैसे कई लोगों ने ट्रॉली दान करवाया, कि जो ने कितना कराया फिर स्टोर किया, तो एक अच्छा आप लोगों का जो सहयोग है वो हमें चाहिए। तो आप लोग मेहनती है सब लोग करके अगली बार अगले शनिवार में मिलूंगा, और अगले शनिवार क्या है, अगले इसी दिन मिलते हैं, और पूरे साल का प्रबंधन अभी करेंगे, और एक जल्दी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है जिसमें सारा ये डेटा फीड भी होगा। ऑलरेडी उस पर काम हो चुका है, तो उसमें सब डेटा जाएगा, किसने कितना काम किया, कितना किया और कहाँ स्टोर किया। जब आप ले लेंगे, स्टोरेज करना हमारी जिम्मेवारी है, हम कैसे उसको गौशाला में करें, सरकारी बिल्डिंगों में करें, वो हम देखें, ब्लॉक लेवल पे करें, वो सब हम आपको दे देंगे। आप इस पर बढ़ चढ़ते काम, आप इस वित्तीय वर्ष के लिए या इस पूरे साल के लिए जो हमारी गौशालाएं चल रही है गौ सेवा के लिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये एक आह्वान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूसा डोनेट करें, उसको लेके जितने भी पशुधन विभाग के हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें कार्य किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा उनका रिव्यू किया गया है और उनको टारगेट दिए गए हैं कि आप गौ सेवा के लिए डोनेशन या भूसा डोनेशन के लिए आप लोग मिलकर काम करिए, जो स्वेच्छा से देना चाहता है उसके लिए दिए। इससे पहले जितने भी हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और सारी गौशालाओं को हम लोग पूरे साल के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग उनको अच्छे से संचालन कर सकें।